ग्वालियर में छात्रा के अपहरण मामले में खुलासा, प्रेमी के साथ चार दिन पहले ही भागने का प्लान था, सीसीटीवी से किडनैपिंग वाला मोड़। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्वालियर में पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा के अपहरण मामले का खुलासा हो गया है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। अपहरण के 12 घंटे के बाद छात्रा को पुलिस ने गुना सिटी के एक लॉज से बरामद कर लिया। आरोपी रोहित भी यहीं से पकड़ा गया है। लॉज में रूम बुक करते समय छात्रा और रोहित कुशवाहा ने अपने अपने आधार कार्ड भी जमा कराए थे। बाइक पर जबरदस्ती बिठाने के तरीके पर छात्रा ने कहा कि मेरे पैर में दर्द था, इसलिए रोहित ने ऐसे बिठाया था। पुलिस उसे लेकर ग्वालियर लौटी तो उसने अपने बयान में कहा कि मैं जाना नहीं चाहती थी, रोहित ने जबरन बिठाया था। छात्रा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भागने की प्लानिंग की थी, लेकिन उसे अपहरण का रूप देना महंगा पड़ गया। ताऊ के यहां गृह प्रवेश में आई थी। भिंड के 19 वर्षीय छात्रा के ताऊ के घर ग्वालियर में सोमवार को गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने के लिए वह अपने चाचा चाची व अन्य परिजन के साथ लहार के 12 गाँव से आई थी। वह सुबह 9 बजे नाका चंद्रवदनी के पास पेट्रोल पंप पर उतरे थे। चाचा व अन्य परिजन बातचीत कर रहे थे, तभी छात्रा वॉशरूम के लिए पास ही के पेट्रोल पंप पर अंदर की तरफ चली गई। इसी समय काले रंग की बाइक पर दो नकाबपोश युवक पहुंचे। एक युवक बाइक पर ही बैठा रहा, जबकि दूसरा कुछ आगे गया और छात्रा को खींचता हुआ बाइक तक लाया। छात्रा को बाइक पर बिठाकर फरार हो गया। पेट्रोल पंप के 30 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज ने मामला और संवेदनशील बना दिया। युवकों की तलाश में पूरे ग्वालियर की पुलिस को दौड़ा दिया गया। इसके बाद रोहित कुशवाहा का नाम सामने आया, अपहरणकर्ता के साथ मिली छात्रा। पुलिस पड़ताल करते हुए गुना पहुंची तो वहां के सिटी कोतवाली इलाके में एक लॉज में अपहृत छात्रा कथित आरोपी रोहित कुशवाहा के साथ मिली। गुना पुलिस का कहना है कि छात्रा मांग में सिंदूर भरे हुए थी। उसने पुलिस से यह भी कहा कि उसका अपहरण नहीं हुआ है, चार दिन पहले ही उसने भागने की प्लानिंग की थी। वो तो मेरे पैर में दर्द था, इसलिए रोहित ने उसे उठाकर बाइक पर बैठाया था। ग्वालियर में पुलिस ने छात्रा के बयान लिए हैं। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उनका भागने का प्लान था, लेकिन घटना वाले दिन वह उसके साथ इस तरह जाना नहीं चाहती थी, वह जबरदस्ती ले गया। शादी करने की तैयारी में थे दोनों। झांसी रोड थाना प्रभारी राशिद खान ने बताया कि वैसे तो यह मामला गुमशुदगी का था। छात्रा और आरोपी रोहित के बीच 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। घटना के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद परिजन ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपहरण का मामला मानकर ही आरोपी रोहित कुशवाहा और बाइक सवार उसके साथ ही राघवेंद्र को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने वारदात में उपयोग बाइक भी बरामद कर ली है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।